नमस्कार, BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आपको मेरी और BCN की संपूर्ण टीम की ओर से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर वर्तमान भविष्य का इतिहास होता है, हर तारीख और हर दिन अपने आप में कुछ न कुछ इतिहास को समेटी हुए है। ऐसी ही 7 अक्टूबर है, इस दिन दुनिया में बहुत ही घटनाएं घटी है जो इतिहास के तौर पर बेहद अहम है, जिसके चलते आइए जानते हैं आज का दिन विशेष। साल 2000 में आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर को जापान में अपने यहाँ मानव क्लोनिंग पर बैन लगाती हुई इसे दंडनीय अपराध घोषित किया था। इसका वहाँ नैतिक आधार पर काफी विरोध हुआ, जिसके बाद वहाँ की सरकार ने यह फैसला किया। वहीं 5 जुलाई 1996 को क्लोनिंग के जरिए डॉली नामक भेड़ का जन्म हुआ था। इस भेड़ के जन्म के साथ ही दुनिया भर में तहलका मच गया था, साथ ही साथ लोगों में इसे लेकर काफी सवाल, उम्मीद व भय भी सामने आया था। उम्मीद थी कि DNA पर इंसान की यह पकड़ भविष्य बदल देंगी। चिकित्सा जगत में भी इसे लेकर काफी उम्मीद जगी थी। लोगों को लगा था कि कई चमत्कार होंगे और कई बीमारियों का इलाज संभव हो पाएगा। कुछ लोगों ने यह भी डर जताया था कि इंसान इसके माध्यम से अपना क्लोन बना लेगा और कई तरह के खतरे पैदा हो जाएंगे। हालांकि दोनों में ही ऐसा कुछ नहीं हुआ। मानव क्लोनिंग धमाकेदार बम की जगह फुस पटाखा साबित हुआ। माना जा रहा है कि बहुत सारी और तकनीकों ने क्लोनिंग को गैर जरूरी बना दिया है। अगर वसीम अकरम को दुनिया का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ का तेज गेंदबाज माना जाता है, तो भारतीय क्रिकेट में वो जगह जहीर खान को हासिल है। सौरव गांगुली से लेकर MS धोनी की कप्तानी तक भारतीय क्रिकेट की दुनिया में तस्वीर बदलने में अगर किसी एक खिलाड़ी का हाथ रहा है तो वह जहीर खान थे। आज ही के दिन 1978 में उनका जन्म हुआ था। जहीर खान एक ऐसी व्यक्ति थी जिनके इंजीनियर नहीं बन पाने का मलाल देश को कभी नहीं रहेगा। 7 अक्टूबर 1978 को महाराष्ट्र के श्रीरामपुर जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जहीर खान का जन्म हुआ था। उस दौर के सामान्य परिवार के लोगों की तरह जहीर का परिवार भी उन्हें इंजीनियर बनता देखना चाहता था। जहीर इस दिशा में आगे भी बढ़ गए थे, लेकिन क्रिकेट के प्रति जहीर के लगाव और उनकी सफलता ने पिता का दिल भी बदल दिया। जहीर के पिता ने जब कहा कि इस देश को इंजीनियर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तेज गेंदबाज नहीं मिल पाएंगे, तब तुम गेंदबाज बनो। आज ही के दिन 7 अक्टूबर 1971 में केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के केलप्पन का निधन भी हुआ। के केलप्पन केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। आप महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था तो के केलप्पन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में कूद पड़े। सन 1930 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय गांधी जी ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही नामित किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब JB कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी बनाई, तब के केलप्पन उस पार्टी में सम्मिलित हो गए और फिर बाद में लोकसभा के सदस्य चुने गए। के केलप्पन समाज सुधार और छुआछूत निवारण के क्षेत्र में भी अग्रणी व्यक्ति थे। मंदिर प्रवेश के वायाकोम सत्याग्रह में उनके ऊपर पुलिस की भी मार पड़ी। गुरुवायूर के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर में हरिजनों के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी। इसके लिए उन्होंने 10 महीने तक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और अंत में भूख हड़ताल पर बैठ गए। महात्मा गांधी के कहने पर के केलप्पन ने भूख हड़ताल तोड़ दी। इसके बाद ही मद्रास की सरकार ने मंदिर प्रवेश का कानून बना दिया। BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।